हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफ स्टाइल में मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी सिर्फ टाइम हो चुका है 7:30 बजे का। 7:30 बजे हैं और मैंने अपना गुनगुना पानी ले लिया है। अभी मैं बस सब्जी बनाने लगी हूँ। तो तोरी की सब्जी बनाएंगे। आज इंटरमीडियंट फास्टिंग का 46th डे यानी कि 46वां दिन स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं आज पूरा दिन क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको वेट लॉस जर्नी में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलो सब्जी बनाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम पे, धूप होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत। और ये मेरा चिंटू बैठा हुआ है, सुबह सुबह उठ चुका है और इसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ये जल्दी करता है ब्रेकफास्ट। सी माय चिंटू, चिंटू चिंटे, ओ चिंटे, चिंटू चिंटू बोल दो। मैंने कल नाई नाई की थी, फर्स्ट बात, कल मैंने नाई नाई की थी। तो चिंटू ने कल नाई नाई की थी, मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी, कल बनाई थी, तो उसको भी मैं शेयर करूंगी कैसे नहा रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये पोट भर के पानी का रख दिया था और ये कम से कम 2 से 3 मिनट नहाया। इतनी देर तक तो ऐसे आराम से बैठा रहा, इतना क्यूट लग रहा था। उसके बाद ये बस मतलब 2-3 मिनट ही बैठा होगा, उसके बाद ये पोट से निकल के खुद ही अपने आप ही बैठा और खुद ही उड़ के अपने आप ही सुखा सुखू के अपने आप को आराम से। कल इतना रिलैक्स रहा पूरा दिन। अब देखती हूँ 2-3 दिन में इसको दोबारा ऐसे ही पोट रख दूँ, ये अपने आप नहा लेगा। तो गाइज़ मैं आज बनाने लगी तोरी की सब्ज़ी। इसके लिए प्याज और टमाटर मैंने कट की है, तो ये बहुत हेल्दी होती है तोरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखे सुबह सुबह मेरी खिड़की जो मैंने अपनी किचन की खोली है, क्या नज़ारा है। इतनी धूप, बहुत धूप आती है। तो तोरी के लिए 1 चम्मच मैं देसी घी लूँगी। देसी घी में बनाती हूँ, सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, साथ में ही हम टमाटर इसके ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे एंड हल्दी डालेंगे, डेड सीड। अब अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम तोरी ऐड कर देंगे अपनी। तोरी ऐड करने के बाद इसमें बस हमको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि तोरी पानी छोड़ती है। उसके बाद हम इसका ढक्कन है बंद कर देंगे और कम से कम इसके 3 से 4 व्हिसल आएंगी बस। तो गाइस सब्जी वगैरह तो मैंने बना ली थी, अब बस मेरे को रोटी बनानी है। आटा गूंधा हुआ है तो फटाफट बस एक रोटी बना लेते हैं। बहुत गर्मी है, फटाफट रोटी बना के फ्री होते हैं। गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:30 का, थोड़ा लेट हो गया मेरे को। तो तोरी मैंने बना ली थी मॉर्निंग में ही, साथ में थोड़ी सी दही ली, एक रोटी ली, एक चपाती ली है बस, और खीरा और प्याज ली है। तो आज ये खाने वाली, आपको मालूम है हरी सब्जी ज्यादा खाती हूँ, तो तोरी खाने का भी मेरा काफी दिन से मन कर रहा था, काफी दिन से मैंने बनाई भी नहीं आई थिंक सो। तो फिर मैंने घी में बनाया और ये बहुत टेस्टी लगती है घी में बनी हुई। तो बस आज मेरा लंच ये है। और आज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी हुई पड़ी है। पता है जब तक बारिशें वगैरह नहीं आएंगी ना, तब तक ये गर्मी चलती ही रहेगी। और बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। तो बट खाना तो आपको खाना है, नहीं है कि आप भूखे रह सकते हो। तो ये है कि बट ये एक मेरे से ये होता है कि गर्मी में ना कम खाना खाया जाता है, ज्यादा नहीं खाया जाता है। मतलब एक टाइम खा लूंगी, उसके बाद रात को सोचूंगी यार खाऊं ना खाऊं। सब्जी खाती हूँ, दाल वाल खा लेती हूँ, खिचड़ी खा लेती हूँ, बहुत हल्का फुल्का मैं अपना डिनर वगैरह करती हूँ, क्योंकि मेरे को भूख ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि पानी इतना पिया होता है हमने गर्मी में, इतना पानी कंज्यूम किया होता है कि हमको भूख नहीं लगती है। मेरे को खासकर, मैं ऐसा पर्सन हूँ, मेरे को गर्मियों में ज्यादा भूख नहीं लगती है, और विंटर्स में लगती है मेरे को भूख, लेकिन गर्मियों में नहीं लगती। गर्मियों में तो मैं पानी ही पीती रहती हूँ, बहुत गर्मी लगती है। और इस टाइम पे 12:30 हो चुके हैं और मेरा 2.5 लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि गर्मी इतनी, जितना पानी पियोगे बल्कि अच्छी बात है, पानी पी रहे हो, हाइड्रेट जितना रहोगे उतना आपका वेट लॉस होगा, उतना आप हेल्दी रहोगे। तो बस आज लंच के में ये है, इसको आप देखते हैं ये कैसी बनी है तोरी की सब्जी। अच्छी बनी है, हमेशा की तरह घी में अगर तड़का लगाओ तो बहुत अच्छी बनती है, और हल्के मसालों में, क्योंकि आपको सब्जियों खुद का टेस्ट आने देना चाहिए। ये नहीं कि आप सब्जियों में मसाले डालते रहो। हरी सब्जियां जितना हो सके ना मैं कम मसालों में बनाती हूँ, क्योंकि उनका खुद का एक टेस्ट हमको आने देना चाहिए। तो मेरे लंच की थाली में आज ये है। चलो मैं आराम से बैठ के अपना लंच एंजॉय करती हूँ, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। दही जरूर खानी है आपको समर्स में, अगर थोड़ी बहुत सर्दी वर्दी है तो मत खाएं, अगर ठीक हो तो जरूर खाएं। A few moments later. सुबह से कपड़े धो के पार्क है, लेकिन मेरे को उतारने ही नहीं याद रहे यहाँ से, तो सूख सूख के बेचारे सूख ही गए। मैं दिखाती हूँ आपको सारे कपड़े, वो सारे कपड़े कैसे हो गए, बिल्कुल ज्यादा ही अच्छे से सूख गए हैं।
कपड़े वगैरह तो मैंने उतार लिए सूख के, तो यार आज मैं भूल ही गई थी। और बस अभी टाइम हो चुका था 4 बजे का, मैं अपनी ग्रीन टी बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरे इवनिंग टी का टाइम हो गया, तो मैं कैमोमाइल टी लूंगी इस टाइम पे। और कपड़े अंदर डाल के रख दिए। आपको शायद डिस्टर्बेंस पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ना नीचे सेकेंड फ्लोर पे कुछ शायद टाइल्स का या पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है, तो ये मॉर्निंग से जब से मैं उठी हूँ तब से चल रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रही है। पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, होप सो ना आ रही हो। तो चलो ग्रीन टी बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक इंडिया की तुलसी हनी कैमोमाइल टी है, तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बस अपनी कैमोमाइल टी बना के ले आई हूँ, इसको पीने लगी हूँ। अभी मेरे को भूख बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है। भूख लगी तो कोई ना कोई एप्पल वेप्पल या कोई ना कोई ड्राई फ्रूट्स खा लें। देखो आपसे बात करते करते वो किचन में बैठ गया, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना जब भी किचन में जाता है, मेरे को बार बार स्लेव साफ करनी पड़ती है। देखो अभी मैं स्लेव साफ करके आई थी, फिर जाके बैठ के हाथ धोती है, अब इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा। रुको उठाते हैं, चलो साथ में मिलके। ग्रीन टी भी हाथ में उठाते हैं, ये तो मेरे से खुद ही डर लगा। फूक से उड़ा दूंगी। चिंटू चल चल ना, पानी पा दूंगी। चल चिंटू चल 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 बेटा चल। नहीं आज गोलते गोंद मचाते अपने गल में। चलो 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 चिंटू चल चल चलो चलो चलो। ये बहुत ढीठ है, ये ऐसे जाने वाला नहीं है इसका कुछ। मैं अपनी पहले ग्रीन टी रखा हूं। मैंने चिंटू को भगा दिया, मैं सक्सेसफुल हो गई। चिंटू ओए चिंटू, चिंटू तू नाराज हो गया, तू नाराज हो गया। जा जा वहां कॉर्नर में जाके घुस के सो जा। नीनी कर ले कर ले नीनी। A few moments later. तो गाइज आज मैं डिनर में बनाने लगी हूँ मशरूम मटर बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मशरूम अच्छे धो के कट कर लिया है, और प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो चलो इसका तड़का लगाते हैं। सरसों का तेल लिया, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। सिर्फ मैं ये 2 दालचीनी 2 छोटी इलायची एंड जीरा ऐड करूंगी इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज टमाटर का पेस्ट। पेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे हम नमक, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, दैट्स इट। अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ता। तो मसाला मेरा बहुत अच्छे से भून चुका है, अब मैं धुली हुई इसमें डाल दूंगी मशरूम्स। इसको 2 मिनट भून लेंगे। मशरूम अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। अब इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, मेरे को ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पानी ऐड करूंगी। दैट्स इट, मैं इतना ही पानी ऐड करूंगी और इसकी मैं सिर्फ 2 व्हिसल डलवाऊंगी, 2 सीटियां आएंगी सिर्फ इसकी। मशरूम की ना हल्की सी ग्रेवी खुद और भी हो जाती है, बिकॉज ना ये जो मशरूम है ना ये ना पानी छोड़ते हैं। तो ये मटर मशरूम रेडी हो चुके हैं, पहले मैं सोच रही हूँ सुखा लेती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ। अब बस थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। गाइस मैं ये अपने मटर मशरूम बना के लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि ना मैं सोच रही थी हल्की सी ग्रेवी रहेगी तो ये हल्का सा पानी और हो गया था, लेकिन ये अब जो जैसे मैंने रखी है ना थोड़ी 2-3 मिनट हो गए मेरे को रखे हुए, तो ये ना गाढ़ी हो गई है सब्जी, गाढ़ी हो जाती है ना ये मशरूम्स, और मशरूम ना पानी छोड़ते हैं इसलिए जरा सा ही पानी डालना चाहिए। और ये काफी हेल्दी होते हैं, इसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। पनीर वगैरह भी इस टाइम खा सकते हैं कुछ जो आपको अच्छा लगता है। मेरा मन कर रहा था मशरूम में लेके भी आई हूँ, तुमको लगा खराब ना हो जाए इसलिए मैंने मटर मशरूम बना लिया है, और ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, थोड़े से ही मसाले ऐड किए हैं जिससे कि ये हेल्दी बन सके। और ये छोटी 1 कटोरी नहीं खाऊंगी मैं, 1 कटोरी और लूंगी, क्योंकि मैं सब्जी पेट भर के खाती हूँ, सब्जी से कुछ नहीं होता है, सब्जी आपको खानी भी चाहिए, यानी कि आप आधे पेट भूखे पेट रहो। मैं 1 कटोरी ये खाने के बाद 1 कटोरी और लूंगी ये मटर मशरूम की। तो ये काफी हेल्दी ऑप्शन है। आज आपने मेरे देखे हैं मैंने मॉर्निंग में क्या खाया, अभी क्या खाया है, एंड इवनिंग में खा ली ग्रीन टी, मतलब आज सिर्फ 2 मील ही खाए, कुछ खाया नहीं गया ज्यादा क्योंकि पानी इतना पी लिया था। आज का सुबह और रात का मेरे मील यही है। अगर आप भी अपने खाने को पहले ही सोच के रखेंगे कि मेरे को ये खाना है या मैंने ये पीना है, तो आपका वेट बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट होगा। ये नहीं होगा कि जैसे ही आपका 4 बजे तो आपको लगेगा यार मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, मतलब आपको उलझन नहीं होगी। अगर आपने पहले सोच रखा होगा ना तो आपको बहुत सही रहेगा, और आपके आगे ही वो चीज होगी जो आपको खानी होगी, तो उसका आप पहले से ही ला के रखेंगे या बना के रखेंगे।
तो पहले ही सोच के रखना चाहिए हर चीज के बारे में। तो मेरे को सब्जी ये वाली खानी थी इसलिए मैंने पहले ही ला के रखी थी। तो बस आज के मील्स मेरे यही हैं। इसका टेस्ट कर ले पहले। तो ये बहुत अच्छी बनी है। पता है इसमें ना मेरे को ना लहसुन डालना ही याद नहीं रहा, सिर्फ सिर्फ प्याज टमाटर का पेस्ट डाला है। मेरे को लगा था पता लहसुन के बिना कैसे बनेगी, बट ये काफी टेस्टफुल है, बहुत अच्छी है। ये प्याज टमाटर की बनी हुई बहुत टेस्टी लग रही है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।